साउंड स्टैंडर्ड का CA20 एम्पलीफायर। जब मैं वाइट CA20 और गोल्डन CA20 दोनों एम्पलीफायर के ऊपर एक एक करके मैं वीडियो अपलोड किया, तो आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट किए थे कि भाई जो ब्लैक कलर का CA20 है, जो ओरिजिनल CA20 लोग बोलते हैं जिसको ओरिजिनल CA20, उसके ऊपर भी वीडियो कीजिए। तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं वीडियो नहीं करूँगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज के वीडियो में ब्लैक CA20 के ऊपर वीडियो बना लेते हैं। और आप लोगों का भी अगर कोई भी ऐसा कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक हो सके तो कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है साउंड स्टैंडर्ड का CA20 एम्पलीफायर, जो कि ओरिजिनल है। और यही वाला एम्पलीफायर सबसे पहले मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इसके बाद तो बहुत सारे ऐसे ही ऐरे गैरे कंपनी ने CA20 भी लॉन्च किया, लेकिन सबसे पहले जो एम्पलीफायर पॉपुलर हुआ था, मार्केट में ज़्यादा नाम लिया था, वही एम्पलीफायर है साउंड स्टैंडर्ड का CA20, जो ये वाला है, ब्लैक कलर में फर्स्ट टाइम आया था। तो चलिए आज के वीडियो में इसके ऊपर ही बात करेंगे। चलिए फर्स्ट में इसका स्पेसिफिकेशन आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो साउंड स्टैंडर्ड का ब्लैक कलर का CA20 8 ओम्स में पर चैनल 1300 वाट करके आउटपुट देता है, 4 ओम्स में पर चैनल 2025 वाट करके पर चैनल आउटपुट देता है, और 2 ओम्स में पर चैनल 2700 वाट करके पर चैनल आउटपुट देता है। बात करें अगर ब्रिज मोड की, तो ब्रिज मोड में 8 ओम्स में 4050 वाट और 4 ओम्स में 5400 वाट आउटपुट देता है। बात करें अगर इसका डंपिंग कितना है, तो डंपिंग है इसका 300। और काफ़ी सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि बेस के लिए CA20 एम्पलीफायर कैसा है, तो उन लोगों से मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि 300 है डंपिंग, तो आप लोग समझ ही लीजिए बेस के लिए कैसा होगा। मीडियम होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत ख़राब भी नहीं बोलेंगे। और MT-1601 उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका डंपिंग 1000 है और इसका 300 है, तो समझ ही लीजिए, ज़्यादा कुछ मैं बोलने वाला नहीं हूँ। लेकिन बस इतना सा ही सुन लीजिए, काफ़ी लोग इस एम्पलीफायर को बेस के लिए यूज़ करते हैं और रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आता है। तो चलिए अभी करते हैं लोड कैलकुलेशन। तो अगर आप इसमें दो बेस चलाते हैं, कितने वाट का चलाएंगे, तो एम्पलीफायर देता है 8 ओम्स में 1300 वाट पर चैनल, तो आप इसमें 1200 वाट का बेस लगाइए, एक एक चैनल पर एक एक बेस करके लगाइए। 8 ओम्स में 1300 वाट देता है, और आप इसमें 1200 या फिर 1300 वाट का बेस चलाइए, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा आएगा, पंचेस भी काफ़ी अच्छा फील होगा। ठीक है, अभी बात करते हैं यहाँ पर अगर आप चार बेस चलाते हैं तो कितने वाट का चलाएंगे, तो 2000 वाट करके पर चैनल आउटपुट देता है 4 ओम्स में, तो आप इसमें 1000 वाट का चार बेस चलाइए, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। एम्पलीफायर 4 ओम्स में 2025 वाट पर चैनल में देता है, और आप अगर 1000 वाट के बेस लगाते हैं, एक एक चैनल पर दो दो बेस, तो काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी भी आपको देखने को मिलेगा। साउंड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, बेस भी काफ़ी अच्छा फील होगा, तो आप 1000 वाट के चार बेस इसमें काफ़ी आराम से बजा सकते हैं। बात करूँ अगर मैक्सिमम कितना वाट तक चला सकते हैं, तो मैक्सिमम आप इसमें 1200 वाट का ही चार बेस चलाइए, उससे ज़्यादा मत चलाइए, साउंड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आएगा और एम्पलीफायर में भी प्रेशर पड़ जाएगा। तो आप इसमें 1000 वाट के चार बेस चलाइए, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको सुनने को मिल जाएगा। और अभी मैंने बताया है 1200 वाट का चार बेस चलाइए, तो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा आएगा। और इस बात को सुनकर ही काफ़ी लोग अभी कमेंट बॉक्स में जाकर लिखने वाले हैं कि मैं तो 1500 वाट का चार बेस चलाता हूँ, मैं तो 2000 वाट का चार बेस चलाता हूँ। तो ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारे लोग लिखने वाले हैं, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, एम्पलीफायर को लॉन्ग टाइम में चलाने के लिए एम्पलीफायर जितना आउटपुट देता है, उतना सा ही लगाने से एम्पलीफायर आपका अच्छा रहेगा, लॉन्ग टाइम तक एम्पलीफायर चलेगा। तो इसीलिए मैंने बताया है 1200 वाट तक आप मैक्सिमम चलाइए चार बेस को चलाने के लिए। ठीक है, तो अभी बात करते हैं आठ बेस कितने वाट का चलाएंगे। तो एम्पलीफायर 2 ओम्स में देता है 2700 वाट पर चैनल करके, लेकिन कोई भी एम्पलीफायर को 2 ओम्स पर रन ना करे, बेस तो बहुत दूर की बात है, 2 ओम्स पर एम्पलीफायर को जितना कम हो सके उतना कम रन कीजिए, तो एम्पलीफायर आपका सेफ रहेगा। लेकिन 2 ओम्स पर कितना वाट तक लोड दे सकते हैं, ये चलिए मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। एम्पलीफायर देता है 2 ओम्स में 2700 वाट, तो आप इसमें 650 वाट के चार बेस इसके एक चैनल पर लगाइए, 650 वाट के और चार बेस इसके दूसरे चैनल पर लगाइए, तो 2600 वाट लोड हो जाएगा, और एम्पलीफायर देता है 2700 वाट, तो ऐसे करके आप टोटल आठ बेस चला सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं इसमें आप टॉप कितने वाट का चलाएंगे, तो फटाफट से वो भी बता देता हूँ। तो आप इसमें अगर आप दो टॉप चलाते हैं, तो दो टॉप आप इसमें हेवी से हेवी वाले टॉप चलाइए, जैसे कि जिस टॉप के अंदर 1000 वाट के एक एक स्पीकर होंगे, साथ में HF भी होगा, वैसा टॉप आप इसके एक चैनल पर लगाइए,
दूसरे चैनल पर भी 1000 वाट के एक एक स्पीकर वाले टॉप, जो कि एक एक टॉप 2000 वाट वाले, आप इसके एक एक चैनल पर एक एक टॉप चला सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर अगर चार टॉप चलाने की, तो चार टॉप आप इसमें चलाइए। जिस टॉप के अंदर 600 वाट के स्पीकर होंगे, एक एक स्पीकर 600 वाट का होगा, साथ में HF होगा, वैसा आप टॉप चलाइए। इसमें चार पीस, एक चैनल पर दो टॉप, दूसरे चैनल पर और दो टॉप, ऐसे चार टॉप आप इसमें चला सकते हैं। तो अभी बात करते हैं साउंड स्टैंडर्ड CA20 का प्राइस, जो कि ब्लैक कलर में आता है। इसका प्राइस एक एक जगह पर एक एक तरह से है, लेकिन अप्रॉक्स प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 40,000 से लेकर 45,000 तक आपको मिल जाएगा। और काफ़ी जगह पर इसका प्राइस और भी ज़्यादा है, काफ़ी जगह पर इसका प्राइस थोड़ा सा इससे कम है, ठीक है। तो अप्रॉक्स आपको 40 से 45 तक पकड़ के रखना है। और बहुत से लोग इस एम्पलीफायर को यूज़ भी करते होंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आपका एक्सपीरियंस शेयर कर देना। प्राइस अगर आप लोगों को पता है एग्जैक्ट प्राइस, तो वो भी नीचे जाकर बता सकते हैं, तो सब लोगों को पता भी चल जाएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।